बट वो एक कुरियर नहीं है, वो एक ड्रीम है मेरा। भैया जो सुनीता चौधरी के नाम से है वो दे दो। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसको देखने। आई एम सो हैप्पी। ऐसे अराउंड दोपहर 3 बजे की बात है जब मैं लंच वगैरह कर लिया था मैंने और मैं लैब जा रही थी। मॉर्निंग में मेरा 9 AM पे एक मीटिंग था, वो कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ी देर ऑडिटोरियम गई थी। वहाँ पे इनोग्रेशन चल रहा था तो वो सब अटेंड किया और एक दो लेक्चर्स लगाए थे। और फिर अर्ली मॉर्निंग उठने की वजह से मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी तो मैं बीच में रूम पे आ गई थी। 12 से 2 बजे तक मैं रूम पे थी। तो ये उस टाइम का वीडियो है, मैं आपको वेदर दिखा रही थी। यहाँ पे वेदर बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो रहा था उस टाइम पे। एंड फिर मैं जाके कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ गई थी। हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मिस ATN एंड आई एम हियर विद अनदर वीडियो। सो बेसिकली ये वीडियो है वो मैं शाम को 4:30 बजे ऑलमोस्ट 4:30 बजे शुरू कर रही हूँ। कारण ये है कि जो मॉर्निंग वाली मीटिंग थी वो ऑलरेडी मैं सुबह डन करके चली गई थी। एंड उसके बाद थोड़ी देर जहाँ पे इनोग्रेशन हो रहा था रोबोटिक्स वाला, वहाँ पे भी मैं जाके आई थी, लेक्चर्स भी लगाए थे। बट मैंने सोचा कि सेम चीज़ें हो जाएंगी तो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट अभी मुझे एक फ़ोन आया है, बेसिकली जो ब्लू डार्ट कुरियर वाले हैं उनकी तरफ से एक कॉल आया है। वो बोल रहे हैं कि मेरा एक कुरियर है। तो बेसिकली मुझे उन लोगों ने फ़ोन करके कल ही बता दिया था। तो मतलब पता तो था मुझे कि आने वाला है, बट वो एक कुरियर नहीं है, वो एक ड्रीम है मेरा। और जब वो चीज़ लाइफ में फर्स्ट टाइम होती है ना तो लाइक आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि यार मतलब एक ड्रीम कंप्लीट हो रहा होता है, तो डेफिनेटली एक खुशी तो होती है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कुरियर क्यों नहीं है, वो एक ड्रीम है। उसमें वो चीज़ मैं आपको दिखा के प्रूव करूँगी कि मैं सही बोल रही थी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो कैफेटेरिया है वहाँ जाना पड़ेगा और जाके अपना कुरियर रिसीव करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ और उसके पीछे की सारी स्टोरी है वो भी बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो चलते हैं, पहले कुरियर लेके आते हैं, देन फिर से बात करते हैं आके। सो जैसे मैं बाहर निकली हूँ ना, यहाँ पे बारिश आ रही है अभी, देखो आप। लेकिन कोई बात नहीं है, खुशी की बात है। अपना कुरियर कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसमें हमारा ड्रीम है, तो ऑब्वियसली हम बारिश में भी जा सकते हैं। तो चलो चलते हैं फटाफट से कैंटीन और लेते हैं अपना कुरियर। ये जो सुनीता चौधरी के नाम से है वो दे दो। ये है सो जैसे कि आप देख सकते हो अभी बारिश है ना, वो काफी तेज हो गई है। पहले बहुत हल्की हल्की आ रही थी और मैंने अपना कुरियर है वो भी ले लिया है। तो फटाफट से सर के ऑफिस में चलते हैं, वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठेंगे और एक मेरी मीटिंग है वो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या है। सो हे गाइस, अभी मीटिंग ख़त्म करते करते मुझे ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो भी। लेकिन मीटिंग अभी हुई भी नहीं है, कल सुबह 9 बजे मुझे फिर से आना है। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले जाके मैं अभी डिनर कर लेती हूँ और जो ये एनवलप रखा हुआ था जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वो मैं आपको अभी खाना खाने के बाद दिखाती हूँ विद एनर्जी, बिकॉज़ अभी मेरे अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले खाना खा के आती हूँ, फिर हम लोग रात में 9:30 बजे वॉक करने के बाद बैठ के इसको खोलेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि इसमें क्या चीज़ है, इसमें कौन सा ड्रीम है वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो मैं अभी डिनर के लिए जाती हूँ, देन अगेन आपसे मिलती हूँ। सो हे गाइस, अभी मैंने डिनर कर लिया है और नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू कि जो मेरा कुरियर था उसमें क्या है और क्या सरप्राइज था इसमें। तो चलो मैं इसको ओपन करती हूँ पहले, देन फिर उसकी स्टोरी है वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलो साथ में ही ओपन कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा कुरियर और इसको ओपन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं हथियार ले लेती हूँ और फिर इसको ओपन करते हैं हम लोग।
फाइनली ओपन हो चुका है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। बेसिकली मैंने ओपन कर लिया है जैसा आप देख सकते हो, और अभी इसके अंदर एक एनवलप और है, ये वाला हमें ओपन करना है। बेसिकली जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इसके अंदर है, तो मैं इसको भी ओपन करती हूँ। आई एम सो हैप्पी। सो फाइनली मैं अभी इसको ओपन करने जा रही हूँ और देखते हैं इसमें क्या है। ओपन हो चुका है, इसमें ये तो मेरे दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे वापस रिटर्न किए गए हैं। ओके, इसके अलावा मेन चीज है वो आ चुकी है अभी हाथ में। तो जो मेन चीज थी ना वो ये वाली थी। इसके अंदर खोलने पे मैं आपको मेन चीज दिखाती हूँ कि मैं किस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो मैं जिस चीज के लिए एक्साइटेड थी ना वो ये चीज है। सो फाइनली मैं कहीं आउट ऑफ इंडिया जा रही हूँ। मैं अभी आपको पूरी डिटेल नहीं बता सकती कि मैं कहाँ जा रही हूँ अभी, क्योंकि आपके लिए भी थोड़ा कुछ सरप्राइज होना चाहिए। और ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल होगा जो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ये मेरे पासपोर्ट में फर्स्ट टाइम एक स्टैम्प लगा है वीजा का, और इससे पहले मैं कभी बाहर नहीं गई हूँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, मैं किसी ऑफिशियल काम से जा रही हूँ, बट खुशी तो मतलब एक अलग ही है। एंड आप फील कर सकते हो थ्रू आउट वीडियो कि मैं कितना ज़्यादा खुश थी। जब मुझे कल मेल रिसीव हुआ था ना, तब मैं बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील कर रही थी कि हाँ यार फाइनली ये काम हो चुका है, मतलब मेरा स्टैम्प है वो लग चुका है, मेरा वीज़ा है वो एक्सेप्ट हो चुका है, और अब मैं फाइनली जाऊँगी। तो मैं ये खुशी आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। और उन्होंने जब कल इसे पोस्ट किया था ना, तब मुझे कॉल किया था, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, मतलब एक बात मैं आपको एट द एंड बोलना चाहूँगी कि अगर लाइफ में हम लोग है ना शिद्दत से काम करें ना इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो सारे ड्रीम्स है ना कहीं पूरे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे नहीं होते हैं। इवन दो हाँ, फैमिली बेसिस जाना एक डिफरेंट चीज़ होती है, और जब आप अपनी मेहनत के बेसिस पे जाते हो ना, तो उसकी खुशी कुछ और होती है। और ये जो मैं जा रही हूँ ना, अपनी मेहनत से जा रही हूँ, तो मेरे लिए एक मतलब अलग ही खुशी की बात है। सो ये सब है ना, मतलब लाइक मेरी मेहनत और अच्छे से काम करने की वजह से पॉसिबल हो पाया है। इवन फैमिली का हमेशा ही पॉजिटिव सपोर्ट रहा है, तो वो भी एक मतलब अच्छा पार्ट है लाइफ में। सो होप सो आपको भी अच्छा लगा होगा ये सब जान के। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मिसाई ATN। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।